आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2018 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लिए 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को 1726 करोड़ की लागत से 555 एकड़ भूमि पर निर्मित 40 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 1100 करोड़ से अधिक की लागत से 356 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित 25 विद्यालयों की आधारशिला रखी गई। ये स्कूल कुल 11 राज्यों में स्थित हैं, जो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जैसे उन्नत शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड, खेल का मैदान, प्रयोगशाला और कौशल विकास एवं 480 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास व शिक्षकों के लिए आवास। इस योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने नजदीकी ब्लॉक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा एवं मन की बात में निरंतर साक्षात्कार करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य को लेकर अपने सुझाव भी साझा करते हैं। इसरो के सहयोग से EMRS छात्रों के लिए जयकार नामक एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अधिकांश जनजातीय विद्यार्थी देश के सम्मानित शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण करते हैं। अब तक 711 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 410 स्कूल कार्यात्मक हैं और इस शैक्षणिक वर्ष में और 64 स्कूलों को कार्यात्मक बनाया जा रहा है। 330 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। 240 से अधिक स्कूल इस समय निर्माणाधीन हैं। 38,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी मिली है। उनमें से लगभग 9,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की दिशा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना निभा रही है अहम योगदान।